Dear students, welcome back to my English class. Today, we are going to read and understand reported speech. आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस English class में और आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं reported speech को. Reported speech class 7 से start हो जाते हैं और ये 11 तक तो जाता ही है. इवन के आपको जाकर हैरानी होगी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं. उन विषयों पर हम बाद में बात करेंगे. सबसे पहले शॉर्ट में मैं प्रयास करूंगा कि आपको रिपोर्टेड स्पीच समझ में आ जाए. रिपोर्टेड स्पीच को नैरेशन भी कहते हैं. अगर आप पुरानी किताबों को पलटें, ग्रामर की बुक्स को, अगर आप डैडी और अंकल्स कि ग्रामर बुक को देखें तो उन किताबों में आपको मिलेगा कि इस रिपोर्टेड स्पीच को नैरेशन के नाम से लिखा गया है. कोई फर्क नहीं पड़ता है आप रिपोर्टेड स्पीच कह लें या नैरेशन कह लें, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है. होता है ना, किसी किसी के दो नाम तो होते ही हैं, बड़े अजूबे, बड़े अनोखे. और अमूमन मुझे लगता है कि आप सबों का दो नाम तो है. जैसे देखिए, किसी का घर का नाम छोटू है और स्कूल में उसका नाम अभिषेक सिंह राठौड़ है. कितना लंबा चौड़ा भारी भरकम नाम, लेकिन घर में लोग उसे क्या पुकारते हैं? छोटू. तो जैसे आप छोटू कहें या फिर अभिषेक सिंह राठौड़ कहें, आदमी तो वही है भैया. ऐसे ही आप रिपोर्टेड स्पीच कह लें या नैरेशन कह लें, चीज वही है. अब बात यह है कि रिपोर्टेड स्पीच है क्या, इसको कैसे समझे. देखिए, हमारे जीवन में कभी कभार ऐसा मोड़ आता है कि जब हमको किसी के द्वारा कही गई बात फिर अगले को बताना होता है, रिपोर्ट करना होता है हमको अगले को. जैसे पापा ने कॉल किया, फोन पे फोन किया, कुछ कहा, आपने रिसीव किया. पापा ने जो कुछ भी मुझसे कहा यह बताना है मम्मी को. तो पापा ने जो कुछ भी मुझसे कहा ये जो मम्मी को बताना है, ये दो तरह के से मैं बता सकता हूं. एक पहला तरीका है पापा के कहे गए शब्दों को हूबहू जैसा का तैसा कह देना, दूसरा उसमें कुछ परिवर्तन लाकर कहना. मैं और एग्जांपल आपको देता हूं. इमेजिन कीजिए, इमेजिनेटरी पावर तो हम सबों के पास है. आप इमेजिन कीजिए कि किसी दिन आप मेरे घर पे आते हैं अपने पापा के साथ, थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हमारी होती है और इतने में मेरा सर्वेंट आता है और मेरे कान में कुछ कहता है. उस शर्मीले नौकर ने मुझसे जो कुछ भी कहा, मैं दो तरह से आपको कह सकता हूं. पहला तरीका है उसके द्वारा कहे गए शब्दों या वाक्यों को हूबहू कह देना, और दूसरा है कि उसके कहे शब्दों या वाक्यों में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर बताना. तो when we write or speak the exact words of the speaker, the sentence is said to be a sentence of direct speech. But when we do not write or speak the exact words of the speaker, but we bring some changes. Changes in pronoun and tense, the sentence is said to be a sentence of indirect speech. तो अब एक और example आप लें. जैसे तीन दोस्त हैं, A, B और C. A ने B से कुछ कहा. जब A B से कुछ कह रहा था तो उस समय C वहां मौजूद नहीं था, लेकिन C ने क्या देखा दूर से कि A कुछ कहकर, ए बी से कुछ कहकर जा रहा है. अब ए के जाने के बाद सी के मन में बड़ी क्यूरियोसिटी है, बड़ी उत्सुकता है यह जानने की कि ए ने बी से क्या कहा, राइट. अब ए ने बी से जो कुछ भी कहा, बी दो तरह से कह सकता है सी को. पहला, ए के द्वारा कहे गए शब्दों या वाक्यों को हूबहू, दूसरा थोड़ा चेंज लाकर. तो आइए पढ़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच को आप नैरेशन भी कह सकते हैं
ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है या नरेशन क्या है फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही है। इसे दो भागों में बांटते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। जब किसी के द्वारा कहे गए शब्दों या वाक्यों को हूबहू एज इट इज कह देते हैं या लिख देते हैं वो डायरेक्ट स्पीच है। आप यहां देख सकते हैं बोर्ड पर, राम से टी इज रेडी, तो टी इज रेडी जो है वो राम के द्वारा कहा गया वाक्य है जो हूबहू ऐसा ही है जैसा उसने कहा। इनडायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करके हम लोग लिखते हैं, राम सेड दैट टी वाज रेडी। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मेन डिफरेंसेस पे आते हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के तीन मेन डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस, आप जब भी डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस देखेंगे तो आपको कॉमास का प्रयोग मिलेगा, चाहे वो कॉमा और इंवर्टेड कॉमा ही क्यों ना हो। कॉमास का प्रयोग इनडायरेक्ट में नहीं होता है, कॉमास आर नॉट यूज। डायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शंस आर नॉट यूज, जैसे इफ, वेदर, दैट, इन कंजंक्शंस का प्रयोग आपको डायरेक्ट स्पीच में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शंस मिलेंगे। यहां पर ध्यान ये देना है आपको कि इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय। तीसरा पॉइंट है, द फर्स्ट वर्ड इनसाइड द इनवर्टेड कॉमास आर ऑलवेज कॉमास ऑलवेज स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। यहाँ आप देखिए टी इज रेडी में टी जो है वो कैपिटल है, जबकि यहाँ आकर ये स्मॉल हो गया है। लेकिन यही अगर ये कोई नाम होता तो फर्स्ट लेटर कैपिटल यहाँ भी होता। अब आइए, कई बार ऐसा होता है हमारे बच्चों के साथ, जो मैथ्स के बच्चे होते हैं उन्हें टेबल जल्दी याद नहीं होता है, और हो भी जाता है तो वो अक्सर भूल जाया करते हैं। ऐसे ही ग्रामर में होते हैं कि एक तो टेंस बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, और अगर आ भी गया तो टेंस के अलग अलग जो 12 टेंसेस हैं और इनके जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं उनके फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आज लेकर आया हूं, ताकि बिना टेंस के भी उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आसानी से बन जाए। तो आप देखिए, डायरेक्ट चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि इनवर्टेड कॉमा के अंदर अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं इनवर्टेड कॉमा के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना है, उनको एक नया फॉर्म एक नया रूप दे देना है, और ये नया फॉर्म नया रूप आप जब दे देंगे तो बाकी के शब्द एज इट इज रखना है। अब मैं बताऊं आपको, डायरेक्ट स्पीच में इनवर्टेड कॉमा के अंदर इज मिलता है उसको वाज में बदले, एम को वाज में बदले, आर को वेयर में बदले, हैज हैव हैड, हैज या हैव को हैड में बदले, कैन और कुड, कैन को कुड में बदले, मे को माइट में बदले, शैल या विल को वुड में बदले, बी वन नजर आए तो बी टू में, बी टू नजर आए तो हैड प्लस बी थ्री में, वाज वेयर प्लस बी फोर नजर आए तो हैड विल प्लस बी फोर में। मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको ये दिखाने जा रहा हूं कैसे बिना टेंस के भी अगर ये टेबल आपको याद रह जाता है तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। देखिए, वैसे अच्छी बात यह होती कि अगर आप टेंस समझ पाते तो। अब यहां पर देखिए, एक एग्जांपल मैंने लिया, ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ही सेड, अब कंजंक्शन दैट लेंगे, अगर इनवर्टेड कॉमा के अंदर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस नजर आता है तो दैट का प्रयोग आप अवश्य करें। तो he said that, अब ये I pronoun कई बार बच्चों को परेशान करता है। यहाँ पर I है, देखिए यहाँ पर अगर I मिले तो आप सब्जेक्ट की ओर जाएं। यहाँ पर जो he है, ये he जो है ये इसका प्लेस ले लेता है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है he said that he। अब ये m आया ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर m नजर आया, तो टेबल से आप देखिए कि m को किस में आप बदलते हैं, वाज में, इसलिए हमने यहाँ वाज रखा। बाकी के जो शब्द है आंख मूंद कर एज इट इज आप लिख लें, गोइंग टू मार्केट। नंबर टू, सी सेड टू मी आई हैव रिटन ए पोएम, फिर बात वही होगी, यहाँ पर सी है और यहाँ पर आई है, क्या लिखेंगे हम, सही है आपका सोचना, सी लिखेंगे, इस आई को हम सी में चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ सी है। ये प्रोनाउन का प्रॉब्लम भी आपका बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो सी सेड टू मी बदल जाएगा, सेड टू किस में बदलता है, टोल्ड मी, तो सी टोल्ड मी दैट, अब ये आई बदला सी में, हैव तो हम टेबल से जाते हैं, हैज हैड में चेंज होता है, इसलिए यहां पर हुआ हैड, और बाकी के रिटेन ए पॉइंट मैंने वैसे ही लिख दिए। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, हरी सेड बॉयज कैन प्ले फुटबॉल, तो हरी सेड दैट, अब देखिए बॉयज किसी बी कोई बॉयज नेम नहीं है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम नहीं है, इसीलिए बी स्मॉल हो गया। हरी सेड दैट बॉयज
कैन आ गया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, टेबल पे चलिए, कैन क्या है यहाँ है, कैन किस बंदे है कोर्ट में, दैट बॉयज कुड प्ले फुटबॉल, देखिए क्वेश्चन में प्ले फुटबॉल, आंसर में प्ले फुटबॉल। चौथा लेते हैं, रवि सेड गर्ल्स वेयर सिंगिंग से सॉन्ग्स, रवि सेड दैट गर्ल्स का चाहिए स्मॉल गर्ल्स, अब वेयर सिंगिंग वाज वेयर प्लस बीफोर चेंज इनटू हैड प्लस बीफोर, हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, रवि सेड दैट गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। आज के लेक्चर में इतना ही, आज के लिए वीडियो इतना ही, अगर आपको पसंद आए और आप चाहते हैं कि और इस तरह के वीडियोस में आपको डालता रहूं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट मैं आप सबों से करना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, लिटरेचर पढ़ लेते हैं, ग्रामर नहीं पढ़ पाते हैं, ग्रामर में इंटरेस्ट नहीं आता है उनको, उनके लिए ग्रामर एक बोरिंग सब्जेक्ट है, तो ऐसे दोस्त चाहे वो किसी भी स्कूल के हो, चाहे वो कहीं से भी आपसे जुड़े हो, अगर क्लास 8, 9, 10 के हैं तो उनके साथ शेयर करें। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस।